नमस्ते प्यारे बच्चों, लेक्चर सिक्स के पार्ट टू में रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं। लास्ट लेक्चर लास्ट पार्ट में हमने सीखा फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशंस। नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद सम डायरेक्ट मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम लेंथ को नापते हैं। कैसे नापते हैं? मीटर स्केल यूज करते हैं। 10^-3 मीटर यानी मिलीमीटर से लेकर 10^2 मीटर यानी 100 मीटर तक की दूरी, 100-100 मीटर लंबाई के फीते आते हैं। आपने देखा होगा सड़क जब बनती है तो फिर उसके बाद वो ठेकेदार अपने पैसे कितने बने उसके लिए सड़क की लंबाई को नापते हैं, तो काफी लंबे लंबे फीते अवेलेबल होते हैं। जब जमीन की नाप चोप होती है, नापा जाता है जमीन को खरीदने बेचने के लिए, तो बहुत लंबाई अधिक बड़े 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 फीते लंबाई वाले होते हैं रोल। तो 10^2 मीटर यानी 100 मीटर। और आगे चलते हैं, स्मॉल डिस्टेंस नापनी है। वर्नियर कैलिपर इज यूज फॉर लेंथ टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10^-4 मीटर, यानी 1/10th पार्ट ऑफ ए मिलीमीटर आपको नापना है, 0.1 मिलीमीटर, तो आपको मदद लेनी होगी वर्नियर कैलिपर्स की। इसका प्रैक्टिकल हम सीखेंगे क्लास 11 में, वर्नियर कैलिपर से कैसे नापते हैं। स्क्रू गेज उससे भी कम नाप सकता है, इसका लीस्ट काउंट जो होता है, मिनिमम वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है उसको कहते हैं उसका लीस्ट काउंट। 0.01 मिलीमीटर तक हम इससे नाप सकते हैं, मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, मीन्स 10^-5 मीटर तक नाप सकते हैं स्क्रू गेज से भी और स्फेरोमीटर से भी। दोनों स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। डिवाइस स्फेरोमीटर है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर नापने के काम आता है। इससे भी हम कैसे मेजर किया जाता है वो सीखेंगे। टू मेजर लेंथ बियॉन्ड दीज रेंजेस वी मेक यूज ऑफ सम स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड्स। वो इनडायरेक्ट मेथड्स कौन से हैं? अगर हमको बहुत लंबी दूरियां नापनी है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस such as the distance of a planet or a star from the earth cannot be measured directly with meter scale. Obvious है? आपसे पूछे चंद्रमा की दूरी नापनी है, तो आपको पता हो तो चंद्रमा पर एक मिरर लगाकर आए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसके ऊपर नील आर्मस्ट्रॉन्ग लगा के आए थे या कोई और, तो नेट पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उससे। यहाँ हमने अर्थ से लेजर भेजी थी और लेजर वापस रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक आई और उससे हमने डिस्टेंस नापी, वेरीफाई किया। पुराना डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो वेदों में ये सारी गणनाएं दी हुई हैं और वैज्ञानिकों ने उनका इस्तेमाल भी किया और वेरीफाई किया, तो पाया कि उसमें जो भी डिटेल्स दी हुई हैं वो जो आर्यभट्ट ने भी इस्तेमाल की थी सब सही थी। An important method in such cases is the parallax method. तो इस chapter में अगर हम बात करें सबसे important क्या है तो वो है parallax method. इस lecture में सबसे important है parallax method. When you hold a pencil in front of you, आप ये exercise activity अभी करके देख सकते हैं. At present, pen या pencil और नहीं आपके हाथ में तो उंगली को सामने हाथ में, उंगली को ऊपर रखें एक उंगली को, बाकी उंगली को बंद रखें मुट्ठी को। अगेन सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको देखें एक बार एक आंख से फिर दूसरी आंख से, एंड लुक एट द पेंसिल फर्स्ट थ्रू योर लेफ्ट आई क्लोजिंग द राइट आई, एंड देन लुक एट द पेंसिल थ्रू योर राइट आई क्लोजिंग द लेफ्ट आई, बारी बारी से एक आंख बंद करके। यू वुड नोटिस दैट द पोजिशन ऑफ द पेंसिल सीम्स टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन द वॉल। इसी को हम कहते हैं पैरेलेक्स। तो मोटे मोटे शब्दों में बोले, द अपरेंट शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशन इज कॉल्ड पैरेलेक्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस, उसको कहते हैं बेसिस। हमारी दोनों आंखों के बीच जो दूरी है लगभग 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ उसको हम बेसिस कह सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल द बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आईज। टू मेजर द डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ ए फार अवे प्लैनेट एस बाय द पैरेलेक्स मैथड, we observe it from two different positions, observatories A and B on the earth, separated by distance AB equal to B at the same time as shown in figure.
We measure the angle between the two directions along which the planet is viewed at these two points. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं एंगल ए एस बी, थीटा से हमने दिखाया इसको, थीटा हम नाप लेंगे, इसी को बोलते हैं पैरेलेक्स एंगल और पैरेलेक्टिक एंगल। तो अर्थ पर ऑब्जर्वेटरी ए से हमने देखा स्ट्रेट रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में इस स्टार एस को देखने के लिए एंगल थीटा वन यहां घुमाना पड़ा। सपोज बी से स्ट्रेट देखा, जैसे आप अपने घर से अपने दोस्त के घर तक जाते हैं, चंद्रमा आसमान में दिखाई दे रहा है, आपको लगता है चंद्रमा जो आपके साथ साथ चल रहा है, तो दूर वाला स्टार तो लगेगा साथ साथ चल रहा है, उसकी पोजिशन में शिफ्ट आपको महसूस नहीं होगा। ठीक वैसे ही जब जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो बाहर सीनरी अगर देखें तो जो पेड़ पास में है वो तो तेज चलता हुआ दिखेगा और जो पेड़ दूर है वो धीमे चलता हुआ दिखेगा, तो उसके रेस्पेक्ट में पास वाले पेड़ की पोजिशन शिफ्ट होगी। तो पास जो प्लेनेट है या स्टार है उसकी पोजिशन शिफ्ट होगी, हम उसकी पोजिशन में शिफ्ट निकाल लेंगे और उससे एंगल थीटा हमको मिल जाएगा। थीटा अगर मिल गया तो एक फॉर्मूला जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आप उसको लगा सकते हैं और एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाकर हम पता कर सकते हैं कैपिटल डी को रेडियस मानकर और ए बी बेसिस को आर्क मानकर, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। एज द प्लैनेट इज वेरी फार अवे, बी बाई डी इज वेरी मच लेस देन वन, therefore theta is very small, then we approximately take AB as an arc of length B of a circle with center at S, S पर center मान के ऐसा मान सकते हैं, और distance capital D को हम radius मान सकते हैं, AS equal to BS मान सकते हैं, AS distance equal to BS distance। तो इस तरह से देखा जाए तो small b हो जाएगा d theta, theta radian में है तो capital D यानी वो distance की value हमको मिल गई b upon theta, यानी कैपिटल डी जो कि रेडियस है वो हो गया बी यानी आर्क अपॉन एंगल। तो फॉर्मूला सेम है जिससे आप फैमिलियर हैं। हैविंग डिटरमाइन डी, कैपिटल डी अगर पता है, वी कैन एम्प्लॉय सिमिलर मेथड टू डिटरमाइन द साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। हम थीटा भी निकाल सकते हैं, एंगुलर डायमीटर निकाल सकते हैं उस प्लैनेट का। स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट एंड अल्फा इज द एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट। Then angle subtended by D at the earth, we have alpha equal to D by D. Same formula, अलग रूप में बड़े काम का है, इस पर solved numerical दिया हुआ है इन्होंने, उससे आप समझ सकते हैं। The angle alpha can be measured from the same location on the earth. It is the angle between the two directions when two diametrically opposite points of the planet are viewed through the telescope. Since capital D is known, the diameter d of the planet can be determined, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यानी ये डायग्राम तो उसके लिए नहीं है, डायमीटर d of the planet यहां से देख सकते हैं और इसको नाप सकते हैं रिवर्स वे में, और ये डायग्राम दूसरी सिचुएशन बता रहा है, प्लैनेट के बजाय स्टार, स्टार की डिस्टेंस अगर आपको नापनी है तो नाप सकते हैं। एग्जाम्पल 2.1 NCRT से है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 10 डिग्री पार्ट है। 10 डिग्री, डिग्री जो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट रेडियन है, तो 10 डिग्री को रेडियन में बदलना है। हम जानते हैं 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री हुआ पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 10 डिग्री हो गया, वैल्यू रख देंगे। फिर 1 मिनट ऑफ आर्क या आर्क मिन इसको कहते हैं, आर्क मिनट, इसको कन्वर्ट करना, तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो कितना रेडियन हुआ, 1.745 इंटू 10^-2 रेडियन, इतना हुआ। तो 1 मिनट कितना हो गया, 1 मिनट निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, 2.908 इंटू 10^-4 रेडियन, यानी 2.91 इंटू 10^-4 रेडियन, राउंड ऑफ कर दिया हमने इसको, इक्वल इंटू का सिंबल या इक्वल टू लगा सकते हैं। देन थर्ड पार्ट जो इसमें 1 सेकेंड ऑफ आर्क, ये जब दो डैश लगाते हैं इसका मतलब 1 सेकेंड, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो 1 सेकेंड इज 60, 1 मिनट इज 60 सेकेंड, फिर कन्वर्जन फैक्टर हमने लगाया 2.908 इंटू 10^-4 रेडियन, सो 1 सेकेंड इक्वल टू 4.847
60 से डिवाइड कर दिया इनटू 10 पावर माइनस 4 रेडियन यानी 4.85 इनटू 10 पावर माइनस 6 रेडियन. ये 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 गड़बड़ है, इसको मैं सही कर देता हूँ, माइनस 6. सो इस तरह से हम पता कर सकते हैं. एग्जांपल 2.2, ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय टावर फ्रॉम हिम. प्रैक्टिकल सिचुएशन दी आपको, जैसे आपको सामने पानी की टंकी नजर आ रही और आप ये जानना चाहते हैं कि वो पानी की टंकी कितना दूर है. He stands at a point A in front of tower C. तो इसका जो डायग्राम है वो मैं दिखा रहा हूं आपको. ये सिचुएशन, ये टावर सी है, इसके सामने वो खड़ा है. स्पॉट्स ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ए से वो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखता है. इन लाइन विद एसी, एसी के लाइन में. ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू एसी, एसी के परपेंडिकुलर चलकर जाता है अप टू बी 90 डिग्री पर, बी तक गया. डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर दूर गया. एंड लुक्स एट ओ, फिर से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता है. एंड सी अगेन, पहले ओ को देखता है फिर वहां से सी को देखता है. सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट, ओ अभी भी लगेगा जैसे चंद्रमा हमें साथ साथ चलता हुआ लगता है कि वो यहां से चलकर यहां आ गया है, पर सी को देखने के लिए एंगल थीटा से उसे अपनी गर्दन को घुमाना पड़ेगा. द डायरेक्शन बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाय एन एंगल थीटा. तो थीटा एंगल से शिफ्ट हुआ हुआ उसको लगेगा. अब थीटा को हमने नाप लिया सपोज 40 डिग्री, इसी थीटा को हम बोलते हैं पैरेलेक्स. अलग अलग पोजिशन से देखने पर पोजिशन में जो शिफ्ट लगता है. सो एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन ए. तो ए सी हमें कैलकुलेट करना है. तो सॉल्यूशन देखें, हमारे पास है पैरेलेक्स एंगल 40 डिग्री. फिगर से साफ साफ पता चल रहा है ए बी को मैं लिख सकता हूं, ए बी परपेंडिकुलर है और ए सी बेस है. तो टेन थीटा निकालूंगा तो ए बी अपॉन ए सी. तो ए बी इक्वल टू ए सी टेन थीटा, ए सी इक्वल टू ए बी अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 100 मीटर अपॉन 1040 डिग्री. 100 मीटर अपॉन पॉइंट 1040 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल से देखने होगी. टेबल देखनी नहीं आती तो मैं सिखाऊंगा किसी वीडियो में. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पीछे दी होती हैं किताबों में, वहां से आप देख सकते हैं 1040 डिग्री की वैल्यू 0.8391 और कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं. तो ये मिलता है आपको 119 मीटर, 119 मीटर. एग्जांपल 2.3, मून को ऑब्जर्व किया हमने दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए और बी अर्थ के. एंगल थीटा जो सबटेंड हुआ एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1 डिग्री 54 मिनट. डायमीटर अर्थ का दिया हुआ है 1.276 इनटू 10 पावर 7 मीटर और हमसे कहा जा रहा है मून के डिस्टेंस निकालो अर्थ से. तो सबसे पहले तो ये जो डिग्री और मिनट में है इसको हमें रेडियन में बदलना होगा, ऐसा यूनिट रेडियन में. तो इसको हमने बदला रेडियन में, 1 डिग्री 54 मिनट पूरा मिनट में बदला पहले 114 मिनट, क्योंकि एक डिग्री में होते 60 और 54 114. फिर उसको बदला सेकंड में और सेकंड से रेडियन में कन्वर्ट करने का हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर याद है 4.85 टेंस पावर माइनस 6 रेडियन. तो कन्वर्ट होकर आ गया रेडियन, क्योंकि 1 सेकंड होता है 4.85 टू टेंस पावर माइनस 6 रेडियन. फिर स्मॉल बी यानी बेसिस, ए बी की वैल्यू हमारे पास है डायमीटर ऑफ अर्थ. तो इक्वेशन जो पहले यूज की थी हमने, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हम उसको यूज कर सकते हैं फिर से. तो इक्वेशन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वी हैव द अर्थ मून डिस्टेंस, वो हमारे पास आ गई अर्थ से मून की डिस्टेंस डी इक्वल टू बी बाय थीटा. ये कैलकुलेट होके आ गया 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर. देन एग्जांपल 2.4, सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1922nd. डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर्स को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट.
इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हमें पता है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लाइट को सन से अर्थ तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, 500 सेकेंड। तो ये डेटा आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाकर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस सन, हमें डायमीटर निकालना है, एंगुलर डायमीटर दिया अल्फा। तो 1920 को सबसे पहले हमने रेडियन में बदला, सेकेंड में दिया हुआ है एसआई यूनिट रेडियन है, सो रेडियन में कन्वर्ट किया। जब भी आप फॉर्मूले में रखेंगे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमारे पास आया 9.31 × 10⁻³ रेडियन। तो सन का डायमीटर स्मॉल डी हो गया अल्फा इंटू डी, मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा इंटू डी, 1.39 × 10⁹ मीटर। तो ये हुआ सन का डायमीटर, जो कि अर्थ से बहुत बहुत बड़ा है। नेक्स्ट आर्टिकल, अगर हम एस्टिमेट करना चाहते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस जैसे कि मॉलिक्यूल का साइज, तो उसका मेथड क्या है? ऑलिक एसिड लेयर मेथड इसको हम कहते हैं। टू मेजर ए वेरी स्मॉल साइज लाइक दैट ऑफ ए मॉलिक्यूल, जो कि 10⁻¹ मीटर से 10⁻¹० मीटर हो सकता है, वी हैव टू अडॉप्ट स्पेशल मेथड्स। वी कैनॉट यूज ए स्क्रू गेज और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। Even a microscope has certain limitations. An optical microscope uses visible light to look at the system under investigation. Or light has wave-like features. Light mein dual nature hai. The resolution to which an optical microscope can be used is the wavelength of light. Iska detailed explanation hum class 12th mein physics mein padhenge. Chapter dual nature of matter and radiation mein wahan par hum isko padhenge. Optics se bhi link rahega. और विजिबल लाइट रेंज ऑफ वेवलेंथ हम जानते हैं 4000 एंगस्ट्रम, जो कि वायलेट एंड है, से लेकर 7000 एंगस्ट्रम, जो कि इसका रेड एंड है विबग्योर के ऑर्डर में, जहां के 1 एंगस्ट्रम जो है 10⁻¹० मीटर होता है। ये विजिबल रेंज है। हेंस एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल्स विद साइजेस स्मॉलर देन दिस। एंगस्ट्रम मिनट तक तो वो रिजॉल्व कर सकता है, दिखा सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उससे छोटे में नहीं। Instead of visible light, we can use an electron beam. तो डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट था, उसने बोला कि मटेरियल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स के साथ हम वेवलेंथ एसोसिएट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के साथ अगर हम वेवलेंथ एसोसिएट करते हैं तो वो वेवलेंथ काफी कम आती है। इलेक्ट्रॉन बीम्स कैन बी फोकस्ड बाय प्रॉपरली डिजाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये 12th में आप सीखोगे। अभी मान लो The resolution of such an electron microscope, very important article, electron microscope, is limited finally by the fact that electrons can also behave as waves. The wavelength of an electron can be as small as a fraction of an angstrom. The angstrom minute se bhi choti ho sakti hai, to resolution jyada milega. Such electron microscopes with a resolution of 0.6 angstrom have been built. They can almost resolve atoms and molecules in a material. उनको भी देख सकते हैं किसी material में atoms और molecules. In recent times, tunneling microscopy has been developed, in which again the limit of resolution is better than an angstrom. Tunneling microscope में भी ऐसा होता है. Tunneling effect को use करते हैं. It is possible. आप पूछेंगे tunneling effect क्या है? तो अभी सिर्फ नाम जानना काफी है. धीरे-धीरे जरूरत होगी तो इससे ये subject में introduce हो जाएगा. It is possible to estimate the sizes of molecules. ये सारे method हमने discuss किए small distance के लिए. A simple method for estimating the molecular size of oleic acid is given below. Oleic acid के molecule का size नापने का एक simple method हम discuss करने जा रहे हैं. Oleic acid is a soapy liquid. Large molecular size, order of 10⁻¹ meter. आइडिया ये है कि पहले हम मोनोमोलिकुलर लेयर बनाएंगे ऑलिक एसिड की ऑन वाटर सरफेस। जैसे कभी आपने चिप्स सुखाए हो छत पर, तो आपकी मम्मी आपको पकड़ा दी चिप्स का बंच आलू के चिप्स बनाने के बाद, जिसको साड़ी पर या प्लास्टिक पर सुखाना होता है। तो आप जब सुखाते हैं तो सिंगल सिंगल चिप्स की लेयर फैला देते हैं उसपे। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि मोनोमोलिकुलर लेयर मिले ऑलिक एसिड की वाटर सर्फेस पर, ये बनानी है। तो हम क्या करते हैं, 1 cm³ ऑलिक एसिड का डिजोल्व करते हैं अल्कोहल में और सॉल्यूशन बनाते हैं 20 cm³। फिर इस सॉल्यूशन का 1 cm³ लेकर उसको डाइल्यूट करते हैं फिर से 20 cm³ के साथ अल्कोहल में। अल्कोहल में खास बात क्या है, अल्कोहल उड़ जाएगा समय के साथ, इवोपरेट हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, ऑलिक एसिड। सो द कंसंट्रेशन, अभी तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन इसकी सॉल्यूशन की होगी 1/20 × 20 cm³, यानी cm³ ऑफ ऑलिक एसिड पर cm³ ऑफ द सॉल्यूशन।
तो वन पार्ट है 20x20 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, अब क्या कर रहे हैं हम, लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन सरफेस ऑफ वाटर। पानी की सरफेस पे टब में पानी लिया, लाइकोपोडियम पाउडर पे स्प्रिंकल कर दिया, एंड वी पुट वन ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन द वाटर, एक बूंद डाला। द ऑलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड्स इनटू अ थिन लार्ज एंड रफली सर्कुलर फिल्म, फैल जाएगी, ऑफ मॉलिक्यूलर थिकनेस, ऑफ वन मॉलिक्यूलर थिकनेस, जैसे चिप्स फैला रहे थे तो एक मॉलिक्यूल आपको वहां पे मिलने वाला है ऑन वाटर सरफेस। देन वी क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ द थिन फिल्म टू गेट इट्स एरिया ए। नाप लेते हैं उसको, ग्राफ पेपर से ट्रेस कर लेते हैं, माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, एरिया ए निकाल लेते हैं। सपोज हमने ड्रॉप किए थे एन ड्रॉप्स वाटर पे, एक ड्रॉप बोला था पहले, मान लो एन ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी, ड्रॉपर से नाप सकते हैं हम, ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, IJSO वगैरह जो होता है ओलंपियाड, उसमें इस तरह के प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिस के लिए। इनिशियली वी डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, माना कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम है वी सेंटीमीटर क्यूब, एन ड्रॉप आपने डाली है तो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन एन वी सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें ऑलिक एसिड कितना सा है 1/20x20 से मल्टीप्लाई करना होगा, NV/20x20 इतना पार्ट है ऑलिक एसिड का। दिस सॉल्यूशन ऑफ ऑलिक एसिड स्प्रेड्स वेरी फास्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स वेरी थिन लेयर ऑफ थिकनेस टी, जो कि फिल्म बनाएगी जिसका एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर हमने नाप लिया, एरिया नाप लिया, और इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस है वन मॉलिकुलर विड्थ, थिकनेस हम टी मान लेते हैं, तो टी थिकनेस वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म, वॉल्यूम को जो कि हमने ड्रॉपर से डाला है हमको पता है, एरिया से डिवाइड करूंगा थिकनेस आ जाएगी, तो टी आ गया एन वी अपॉन 20x20 एरिया सेंटीमीटर में, और यही साइज है ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का। सो इफ वी अज्यूम दैट द फिल्म हैज मोनोमोलिकुलर थिकनेस, देन दिस बिकम्स द साइज ऑफ डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड, द वैल्यू ऑफ दिस थिकनेस कम्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ 10^-9 मीटर। तो वेरिफिकेशन हो जाता है, ऑलिक एसिड लेयर मेथड इसको हम कहते हैं, और इससे मॉलिक्यूल का साइज हम नाप सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 2.5। If the size of a nucleus in the range of 10^-15 to 10^-14 meter is scaled up to the tip of a sharp pin, हम ये मान लें कि nucleus का जो size है वो एक तीखी pin की नोक के बराबर है, what roughly is the size of an atom, तो atom कितना बड़ा होगा, और इसके लिए tip जो है pin की उसकी range आप मान सकते हो 10^-5 meter से 10^-4 meter। तो ये कंपैरिजन है, एक रफ कंपैरिजन जिससे आपको एक अंदाजा लग सके। न्यूक्लियस का साइज 10^-15 मीटर का ऑर्डर का होता है, 15 से 14 तक। अगर टिप ऑफ शार्प पिन को हम उतना मान लें जो कि 10^-5 है, तो मैंने -15 को -5 मान लिया या -14 को -4 मान लिया, तो स्केल कर रहे हैं हम, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 10^10 का डिफरेंस आ रहा है, तो एटम रफली किस साइज का हो गया, 10^-10 मीटर, वो जो है उसका साइज हम कितना लेंगे, तो 10^-5 में अगर आप जोड़ देते हैं, मतलब कितना डिफरेंस कितना आ रहा है, एटम का साइज 10^-10, न्यूक्लियस का साइज 10^-15, तो 5 पावर का डिफरेंस है, तो 5 पावर इसमें मैं जोड़ देता हूँ, 5 पावर बढ़ा लेता हूँ +5, तो 10^-5 + 5 दैट इज 1 मीटर। दस ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एज स्मॉल इन साइज एज द टिप ऑफ ए शार्प पिन placed at the center of a sphere of radius about 1 meter. सोच के देखो, अपना आप हाथ फैला लो पूरा, वो लगभग 1 meter, उतना बड़ी radius का sphere imagine करो, उस sphere के comparison में आप देखो pen की tip को, तो pen की tip nucleus होगा और वो sphere जो है वो atom होगा, ऐसे आप समझ सकते। रेंज ऑफ लेंथ की बात करें, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी फार ओवर ए वेरी वाइड रेंज, दीज मे वेरी फ्रॉम द साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-14 मीटर ऑफ द टाइनी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द साइज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ 10^-26 मीटर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो मेरे पास कुछ डेटा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, NCERT में लिखा हुआ है रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ, और ये नाम से आपको फैमिलियर होना है, स्पेशल यूनिट्स है लेंथ को नापने की, शॉर्ट एंड लार्ज। फर्मी बहुत ही कम लंबाई, यानी न्यूक्लियस का साइज 10^-15 मीटर, एंगस्ट्रम 10^-10 मीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ 1.496 × 10⁻¹ मीटर, वन लाइट ईयर 9.46 × 10⁻¹ मीटर, डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपसे पूछा जाता है लाइट ईयर इज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो क्लियर है लाइट ईयर डिस्टेंस को नापने की यूनिट है। लाइट एक ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको कहते हैं वन लाइट ईयर। पार्सेक डिस्टेंस को नापने वाली सबसे बड़ी यूनिट 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर। इसको पैरेलेक्स की टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, यानी वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 × 10⁻¹ मीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ वन आर्क सेकेंड, यानी इतनी दूरी हो कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क लें तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा वन आर्क सेकेंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।